नमस्कार प्रिया मैजुकी को फिर से आपका स्वागत है। करेले जी हाँ, करेले का नाम सुनते ही आपको लगता है कड़वे होते हैं करेले, पर ऐसा नहीं होता है। हर बार ऐसा नहीं होता है, करेले कड़वे होते हैं लेकिन उसके गुण बहुत होते हैं। इसलिए करेला हमको हमें डाइट पर रोजाना खाना चाहिए, शामिल करना चाहिए। करेले कई तरीके से बनाए जाते हैं, तो उसी सिलसिले में आज मैं आपको करेले का भरता बनाना बता रही हूँ। जी हाँ, आपने बैंगन का भरता खाया होगा, लौकी का भरता खाया होगा, तो आज करेले का भरता बनाना सीखते हैं। कैसे बनाती हूँ आइए देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट से लेटेस्ट रेसिपी जल्दी से जल्दी मिले। तो आइए शुरू करते हैं करेले का भरता। भरता बनाने के लिए मैंने करेले लिए हैं 5, ये पाव भर हैं वेट के अंदर। एक गड्डी मैंने लहसुन के लिए, यानी कि लहसुन की कलियाँ छील ली हैं। 4 से 5 प्याज लिए हैं, टमाटर है, कैरेट में से एक चीज़ लेंगे हम काम में, और हरी मिर्च। इसमें मैंने ऑयल ले लिया है, तो सबसे पहले हम करेलों को डाल देंगे। इनके जो हमने ये पूंछ जैसे दिखते हैं, आप इसको बाद में निकालेंगे तलने के बाद, इनको ब्राउन होने तक पका लेते हैं। बस अब इस स्टेज पे हमको करेलों को बाहर निकाल लेना है और बाकी जो को फ्राई कर लेना है। ब्राउन हो चुके हैं, इसको हम निकाल लेते हैं बाउल में। फिर कुकर में करेले डाल के मैं एक बिस्से ले लूँगी। मैंने इसमें आधा कप पानी डाला है। जो एक्स्ट्रा डंडियाँ थी वो निकाल दी हैं, मिर्च की भी निकाल दी हैं, और टमाटर का मैंने जो एक्स्ट्रा छीका था वो सब निकाल दिया है। अब मैंने एक बाउल लिया है जिसको हम मैशर से इसके अंदर मैश कर देंगे। इन सभी को हम एक बाउल में डाल देते हैं और मैश कर लेते हैं। को इतना ही मैश करना है, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। इसमें करेले के अंदर मेरे पास पके हुए बीज निकले थे, तो मैंने इनको निकाल दिया था। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। कढ़ाई में तेल गरम करके हम इसके अंदर सारे मसाले मिक्स कर देते हैं। करेले का भरता तैयार है, अब हम इसको आपको सर्व करके दिखाते हैं। करेला आपको कड़वा अच्छा नहीं लगता है तो इसमें आप आधा चम्मच शक्कर डाल सकते हैं। ये तैयार है हमारा करेले का भरता। जी हाँ, करेले का भरता बहुत ही यमी बनता है और बहुत अच्छा रहता है ये करेले का भरता, और बनाने में भी बहुत आसान है। देखा ना आपने कितना जल्दी से हमने करेले का भरता बना लिया है। बहुत अच्छा है, एक यूनिक रेसिपी है बिल्कुल। देखा ना आपने कितना झटपट से इतना टेस्टी सा, चटपटा सा, मज़ेदार सा करेले का भरता बन के तैयार हो चुका है। तो जल्दी से इस बार करेले आए तो आप करेले का भरता बना के खाइए, गम गम पराठों के साथ, पूरी के साथ। आप इसे सफर में भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो मिलते हैं नई रेसिपी है, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्ते, थैंक यू।